हेलो डियर फ्रेंड्स, मास्टर मिस्टर के, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर के 2M। और आज का जो ये वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं, ये है पीरियडिक टेबल पार्ट टू। तो फ्रेंड्स चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट टू है, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि पार्ट टू, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पार्ट वन देखें। पार्ट वन में क्या होगा कि जो भी सिंपल चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट लेवल फर्स्ट पार्ट में होने चाहिए, जो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए आगे के बारे में प्रेडिक्टेबल की स्टडी करने से पहले, ये नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने पार्ट वन में बता दी है। और पार्ट टू, आप अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फिर भी अगर आप मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे तो फिर मेरा चैनल में इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, आप जाकर सिंपली देख सकते हैं, रिसेंटली वीडियोस में ही होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट टू में। जो भी मैंने टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं, टॉपिक्स के कितनी हद तक कितनी डिटेल्स में जाने हैं वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलें शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि मैं पार्ट टू में आपको पीरियडिसिटी बताऊंगा, पीरियडिसिटी क्या है, और पार्ट टू में ही क्यों बताऊंगा इसका रीज़न भी मैंने पार्ट वन में दे दिया है। फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि पार्ट वन और पार्ट लास्ट सबसे बड़ा होने वाला है, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्ट टू फुल, आप पार्ट लास्ट जो कि मैं बोल रहा हूँ वो सबसे सबसे अहम है। वो पार्ट लास्ट जो है वो थर्ड पार्ट भी हो सकता है, फोर्थ पार्ट भी हो सकता है, सिक्स्थ पार्ट भी हो सकता है, कोई भी पार्ट हो सकता है लास्ट। तो फ्रेंड प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो लास्ट पार्ट है वो आप फुल देखें और उसके और उसमें इंजॉय करें, उसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स चलें अब हम शुरू करते हैं, आपको बोर भी हो रहे होंगे तो, और अगर आप बोर हैं तो प्लीज़ सॉरी, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। पीरियडिसिटी, तो फ्रेंड्स पीरियडिसिटी क्या है? पीरियडिसिटी समझने से पहले हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, हम पीरियडिक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, पीरियडिक टेबल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पीरियडिक टेबल पेज ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पार्ट वन में जो भी बताया था आपको वो सब याद ही होगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, आपको मैंने पहले भी बोला था। तो फ्रेंड्स जैसे कि पीरियडिसिटी क्या है, ठीक है, पीरियडिसिटी जो कि मेन टॉपिक है जो कि इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीरियडिसिटी क्या है। तो फ्रेंड्स पीरियडिसिटी, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर हीलियम एटम है। तो फ्रेंड्स अगर आपको एटम के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर लें, मैं एटम के बारे में भी आपको बता दूँगा। और अगर एलिमेंट के बारे में नहीं पता तो फिर उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा, एलिमेंट के बारे में ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि एलिमेंट के बारे में आज का बहुत कम बच्चों को पता होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलिमेंट्स के बारे में पता होता है। तो फ्रेंड्स चले अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, ये है हाइड्रोजन एटम, ये है हीलियम एटम। तो इन दोनों एटम्स में एक कॉमन चीज़ है, वो क्या है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देख सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन है, ये रहा ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, और ये है वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल चार्ज है उसके उस पर, तो फिर उस पर कितने हैं, है ही नहीं, ज़ीरो हैं, ठीक है, ज़ीरो ही है उसमें, न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन्स इसमें नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आपको एक बात बता दूँ कि हमें जिस चीज़ पे गौर करना है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है, जो कि डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टी, एटम कैसे, जैसे किस्म का, यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स की जो खासियत होती है, इन सब एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और उनका मास होता है वो न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स
बात यह है कि यहाँ पर पीरियडिक टेबल में पीरियड के मुताबिक, पीरियड के लिहाज से जो कि लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट होता है, तो फिर पीरियड के लिहाज से जो कि कॉमन चीज़ होती है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मींस केमिकल प्रॉपर्टी मींस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पर जो कॉमन चीज़ होती है वो है शेल, ठीक है, वो है शेल। इसमें पीरियड में जो कि कॉमन चीज़ होती है वो है शेल। अब जैसे कि आप पीरियडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आता है। हाइड्रोजन की एटम को आप ये इमेज जो ब्रेन में सेव कर लें, ये देखें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, बस यही इमेज है। और इलेक्ट्रॉन किस शेल में है? के शेल। आपको एक बात बता दूं कि शेल होते हैं शेल्स, फर्स्ट शेल का नाम है के, या फिर वन फर्स्ट शेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप कमेंट करेंगे एटम के बारे में पढ़ा, एक एटम के बारे में मैं बताऊँ तो फिर एटम के बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर मैं एटम के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है, के शेयर वगैरह ये सब कुछ मैं बता दूँगा, ठीक है। और अगर आपको पता है तो चलें आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम हीलियम का एटम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन भी आता है और हीलियम भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब हम हीलियम के एटम को कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा हीलियम का एटम, ठीक है, पीछे की तरफ कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो यार ये रेजी नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये रहे हीलियम के, ये अंदर एक न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं शेल एक है, जो कि कॉमन चीज़ है, जो कि शेल। तो फ्रेंड्स शेल एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि शेल है ना, शेल एक ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं शेल एक ही है। तो फ्रेंड्स अब हम खोलते हैं इस सब को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे के जैसे कि पीरियडिक टेबल में सेकंड पीरियड में, या फिर पीरियड आप समझ चुके होंगे, जैसे कि पीरियडिक टेबल में सेकंड पीरियड में आता है लिथियम। तो फिर हम लिथियम सेलेक्ट करते हैं इमेज, तो सॉरी ये लिथियम इमेज ओपन नहीं हो रही है, ठीक है, हम ओपन करते हैं लिथियम इमेज को।